शुक्रवार से शुरू हुई बारिश का असर शनिवार तक देखने को मिला। शनिवार की सुबह हुई मूसलाधार बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। महानगर के विभिन्न क्षेत्रों में भारी जल भराव के कारण नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दाऊदपुर, जिला अस्पताल, कलेक्ट्रेट, गंगेश चौराहा, विजय चौक, धर्मशाला बाजार सहित महानगर के अन्य क्षेत्रों में बारिश का पानी 1.5 से 2 फीट ऊपर सड़क पर आ गया। वहीं कुछ दुकानों और मकानों में भी बारिश का पानी पहुंच गया, जिससे लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि नगर निगम द्वारा जल भराव से बचाव के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन 48 घंटे की बारिश ने नगर निगम की सारी व्यवस्थाओं का पोल खोल कर रख दिया। इस संबंध में जब नगर आयुक्त अविनाश सिंह से बात की गई तो उन्होंने नगर निगम की व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए बताया कि भारी बारिश के कारण ऐसी समस्या उत्पन्न हुई है। उन्होंने बताया कि बारिश ने 127 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुबह 193 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा कि गोरखपुर में अत्यधिक बारिश होने के कारण दिक्कत पैदा हुई है। नगर निगम द्वारा 315 अस्थायी और अस्थायी पंप सेट लगाकर जल निकासी कराई जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिकों एवं नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, यहाँ बहुत सी समस्याएं हैं। जैसे हमारी दुकान में जितने अंदर तक पानी को बैटरी भी नुकसान हो गए हैं। तमाम कुछ सारे सामान ऐसे हैं जो खास सामान है वो पानी के द्वारा सब खराब हो चुके हैं जी। कैसे आप लोग आ जा रहे हैं? अब यहाँ क्या करें, पैदल और कोई साधन है नहीं, पैदल से आ जा रहे हैं। घाट के बराबर पानी भरा है। अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था पानी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ। सब अभी हम तो यहाँ के दुकानदार हैं, मतलब शिकायत तो हुई है बहुत लोग से, आके वादा करके चले जाते हैं लेकिन यहाँ कुछ करते नहीं है। सागर मिश्रा सर, बारिश हो रही है लगातार, दुकानें भी डूबे, कैसे आप लोग आ जा रहे हैं? भैया गाड़ी लेके गए थे, गाड़ी में भी पानी घुस गया। अब हम गाड़ी किनारे रख के उसके बाद अंदर गए हैं, देख रहे हैं दुकान में भी पानी घुसा हुआ है। अब बस दुकान के अंदर से पानी साफ करके उसके बाद बाहर निकले हैं। कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है भैया? जब बारिश होती है ये हर बार का, थोड़ी भी बारिश हुई पानी निकलने की यहाँ पे कोई ड्रेनेज सुविधा नहीं है। अगर ड्रेनेज रहती तो ये पानी लगता नहीं। अभी मुख्यमंत्री पोर्टल पे हमने ट्वीट किया है और उसके बाद फिर और भैया लोग बता रहे थे कि उन लोगों ने यही कंप्लेन किया हुआ है नगर निगम से, लेकिन कंप्लेन हर बार होती है, हर 2 दिन बाद फिर वही हालत हो जाती है। सर महानगर में बारिश की वजह से जल जमाव की स्थिति बन गई है, नगर निगम द्वारा किस तरह की व्यवस्था की जा रही है? पिछले 24 घंटों में गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 193 मिलीमीटर की बारिश हो चुकी है, जो कि पिछले 127 साल का जो उसने रिकॉर्ड को मतलब ब्रेक किया है।
और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मूसलाधार बारिश है हुई है, और इसे बारिश ना करना मतलब उचित नहीं रहेगा, बल्कि ये तो अतिवृष्टि है और इसकी वजह से शहर के काफ़ी इलाकों में मतलब पानी भर गया। लगभग 2 से 3 बजे के बीच में जब बारिश बंद हुई है तो जो शहर के ऊपरी इलाके थे या जहाँ सामान्य ऊंचाई वाले स्थान थे वहाँ से पानी बहुत ही तेज़ी से बाहर चला गया, निकल गया। लेकिन अभी भी शहर के जो लो लाइंग एरिया हैं, जो तालाबों के आसपास हैं, वहाँ पर पानी भरा हुआ है। नगर निगम अपनी पूरी टीम के साथ इन जगहों से पानी निकालने के प्रयास में लगी हुई है। इस वक्त हमारे 315 से ऊपर जो स्थायी और अस्थायी पंप चल रहे हैं, हमारे अभियंता विभाग की, हमारे जोनल ऑफिसर्स, हमारे सैनिटरी ऑफिसर सभी फील्ड पे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगर बारिश नहीं होती है तो 2 या 3 दिन के अंदर हम इस पानी को बाहर निकालने में सफल हो जाएंगे। और ये आप देख भी रहे होंगे कि पिछले 2.5-3 महीने से लगातार नगर निगम फायर फाइटिंग कर रहा है इस वाटर लॉगिंग की समस्या से। बीच में ऐसे कई अकेजन्स आए जब मौके आए जब हम लोग पूरी तरह से शहर को इस पानी से मुक्त करा दिए थे, जल प्लावन की समस्या से मुक्त करा दिया था, लेकिन जैसे ही कुछ भी दिन बीते नहीं कि फिर इतनी एक मूसलाधार अतिवृष्टि हो जा रही है जिसकी वजह से फिर से पूरा नगर निगम की जो मेहनत पे पानी फिर जा रहा है। लेकिन नगर निगम कहीं से भी हतोत्साहित नहीं है और पूरी ताकत से काम कर रहा है, और इसको एक जीवन एक संघर्ष है, कभी धूप कभी छांव, इसी को नगर निगम जीत से इसको लेता है कि निश्चित रूप से हम इस संकट की घड़ी में अपने शहरवासियों के साथ खड़े हुए हैं और उनकी हर समस्या को सुनने के लिए हमारे 2 कंट्रोल रूम भी चल रहे हैं लगातार, और उनके पास हमारे जो 2 नंबर हैं, हमारे सारे ऑफिसर्स के नंबर हैं, जहां से भी सूचना आ रही है हम यथाशक्ति उन समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितनी भारी बारिश हुई है उसको ध्यान में रखते हुए उसके अनुपात में 1 या 2 कम से कम अभी पानी निकलने में लगाया गया।